भी हम इनको जो इसके पिताजी शहाबुद्दीन थे जो गाड़ी चला रहे थे तो उनको गोरखपुर भर्ती कर दिया गया। ये देहांत हो गया, इनको हम लोग सदर अस्पताल ले आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। उनका भी वेंटिलेटर पे उनका भी अस्पताल भेजा गया था। हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ का डॉक्टर साहब ने रेफर किया। हम लोग गोरखपुर के लिए चले तो जाते समय में लड़का का मदद करे जो सरकार की तरफ से मिल रहा है, एक परिवार को दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि लेबर में काम करने वाले थे। लड़का का भी इंतकाल हो गया। उनका जो पिताजी हैं गोरखपुर, उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी सहायता स्वयं गांव के लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करके उनका इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल जिस प्रकार से सिवान जिले के चाक नेशनल हाईवे के समीप और लगभग 3 बजे जो घटना हुआ था, यानी एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने लगातार 3 बाइक को और 1 साइकिल सवार व्यक्ति को रौंद दिया था, जिससे मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लोग घायल हो गए, क्योंकि गंभीर स्थिति में उन लोगों का इलाज चल रहा था। ये देख सकते हैं हमारे पीछे अभी हमारी टीम मौजूद है सिवान जिले के सिवान सदर अस्पताल के पास सिराई घर के, जहाँ पे उसमें एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज चल रहा था। जैसे कि परिजनों का कहना है कि यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो डॉक्टर थे, उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया था, लेकिन गोरखपुर ले जाते समय उनका देहांत हो गया। परिजन उनसे बात करेंगे और इस मामले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। अच्छा आबिद जी, कल जो दुर्घटना हुआ उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार से इनका देहांत हो गया, इसके बारे में? हम लोग को 4 बजे खबर मिला, 4 बजे इस चीज का। हम लोग इसमें लगे, जब हम लोग आए तो इन लोग का स्थिति सीरियस था, तब तक गांव के ग्रामीणों के मदद से सदर अस्पताल भेजा गया था। हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ का डॉक्टर साहब ने रेफर किया। हम लोग गोरखपुर के लिए चले तो जाते समय में लड़का का देहांत हो गया। कब गोरखपुर जा रहे थे? हम लोग यहाँ से 6:30 बजे निकल गए, शाम को जाते में रास्ता में डेड कर गया लड़का। फिर भी हम इनको जो इसके पिताजी शहाबुद्दीन थे जो गाड़ी चला रहे थे तो उनको गोरखपुर भर्ती कर दिया गया। ये देहांत हो गया, इनको हम लोग आज सदर अस्पताल ले आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। उनका भी वेंटिलेटर पे, उनका भी स्थिति बहुत दयनीय बना हुआ है। बेटे हैं हाँ। इनका साहेब हुसैन नाम है। कितने साल का होंगे? 5 साल का है। 5 साल का जी। इनके जो शाहबुद्दीन साहब, उनकी स्थिति कैसी है? उनका स्थिति वेंटिलेटर पे है, दयनीय बना हुआ है, कभी कुछ हो सकता है जिस स्थिति में बने। कहाँ पे हैं? गोरखपुर में भर्ती है जी। क्या करते थे? मजदूरी करते थे, बेलदार थे, अपना घर का चलाते थे, बेलदारी कर मेहनत मजदूरी कर। और 2 लड़का, 1 लड़की थी जिसमें सबसे छोटा ये लड़का है, और बहुत गरीब परिवार से थे लोग, अपना बस खाते थे, कमाते, डेली कमाना डेली खाना है। समस्या इस बात की है कि अब आगे उस परिवार का क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम प्रशासन से या सरकार से मांग करते हैं कि जो उचित मुआवजा है उनको दिया जाए। क्या नाम है सर? निजामुद्दीन। अच्छा निजामुद्दीन जी, क्या आप कहेंगे जिस प्रकार से कल दुर्घटना हुआ जिसमें एक व्यक्ति की तो मौके पर मौत हो गई, लेकिन इन लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर था, इससे आप लोग इलाज करवाने के लिए लेकर गए। इनके पिताजी गोरखपुर में इलाज चल रहा है, अब इनका भी देहांत हो चुका है, उनके बेटे का जिसका उम्र 5-6 साल है। क्या कहना चाहेंगे इसके लेकर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि स्थानीय जो विधायक हैं, स्थानीय जो सांसद हैं, जो सरकारी व्यवस्था है उस पर लोग कुछ मदद करे। जो सरकार की तरफ से मिल रहा है, एक परिवार को दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि लेबर में काम करने वाले थे। लड़का का भी इंतकाल हो गया और बाप का भी स्थिति नाजुक बना हुआ है, जो अभी गोरखपुर में भर्ती है जी। और इनको जो भी है इलाज में, जो भी अगर सरकार मदद कर दे। अभी इलाज कैसे हो रहा है? इलाज गांव वाले ने पैसा इकट्ठा करके भेज रहे हैं तो इलाज हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भर्ती है। जी जी। चलिए, प्रशासन सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि जो ये दुखद घटना हुई है, उस ड्राइवर को देखा जाए कि कैसे वो, क्या ऐसा घटना हो गया, जांच होनी चाहिए इस पे, और मुआवजा परिवार वालों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते थे हमारी टीम ने जिस प्रकार से जो साहब जिनकी अभी देहांत हो चुका है, कल जिस प्रकार से जो घटना हुई थी सिवान जिले के चाक नेशनल हाईवे के समीप, जहां पे एक व्यक्ति की घटना स्थल पे ही मौत हो गई और 4-5 लोग जो घायल हो गए जिनको इलाज के लिए ले जाया गया, और इनका भी इलाज, इनके जो पिताजी हैं गोरखपुर, उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी सहायता स्वयं गांव के लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करके उनका इलाज करवा रहे हैं। और देख सकते हैं लेबर क्लास के व्यक्ति जो प्रतिदिन काम करके लगभग डेली 400 रुपए लाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उस परिवार की अभी स्थिति कितनी गंभीर है ये सोचने का विषय है। इस विषय को कम से गंभीर से जांच होना चाहिए, और प्रशासन और सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग
जो दुर्घटना स्थल पे जो मुआवजा मिलता है उसको उनका मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस परिवार की स्थिति जो है अच्छी हो। तब तक के लिए चाहे जाए, देखते रहे, धन्यवाद।